गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी थॉट ऑफ गोइंग काकू कचौड़ी वाला विच इज़ एट हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस। एंड मैंने थोड़ा उसके बारे में स्टडी भी किया कल, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया उसको। सो आई कम टू नो इट इज़ वेरी ओल्ड, वन ऑफ द वेरी ओल्ड कचौड़ी वाला इन दिल्ली। आई थिंक इट वॉज फॉर्म्ड इन 1980s। सो इट्स ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड कचौड़ी वेंडर, जहाँ आपको कचौड़ी के साथ साथ बेडमी पूड़ी भी मिलती है, चाय भी मिलते हैं, ब्रेड पकौड़े भी मिलते हैं। तो हमने सोचा कि चलो आज उधर ही चलते हैं, घूम कर आते हैं। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, यू कैन सी पूरे रूट में हमें क्लाउड्स दिखाई दिए। तो थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जिससे थोड़ा सा और अच्छा फील हो रहा है। और जब हम इधर आ रहे थे तो हमने देखा कि एक नई टनल भी ओपन हुआ है, एंड आई थिंकिंग दिस इज नेक्स्ट टू प्रगति मैदान, राइट अजय? यस। सो आई ऑल्सो हैव अजय विद मी। अजय और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। बंदे बंदे आगे से। सो अजय एंड मी नोज ईच अदर फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, एंड अजय वर्क्स इन L&T। सो मुझे पता चला कि अजय की फर्म ही इन्वॉल्व है इसमें, बनाने में, इस टनल में। तो अजय कुछ आइडिया दो यार, कितना टाइम लगा इसको बनाने में और इसको कितना कॉस्ट कितनी आया इसको बनाने में? एक्चुअली दिस टनल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2 years बैक, एंड वी हैव टू कट एवरीथिंग बिकॉज दिस टनल इज अ टनल, इट इज नॉट अबव द रोड, सो एवरीथिंग हैज टू बी कट एंड दैट टेक्स टाइम एक्चुअली। बट दिस वंस इट इज कमीशन नाउ इट इज कम पुट टू ऑपरेशन 20 June से शायद ये स्टार्ट हो गया था, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इवन फॉर मी कमिटिंग फ्रॉम दिस टनल is saving around 10 to 15 minutes in the morning and evening hours. So it is very useful for everybody who is regularly visiting India Gate from East Delhi side, and like people like me who works, who basically commute to this route on daily basis. It's very beautiful, very comfortable for everyone, and I understood that some high priority, some celebrity visit is going to happen today in this tunnel. So actually this tunnel is closed, but we cyclists, we generally go inside wherever it is closed also. We have seen many cyclists are crossing this tunnel. Everybody is enjoying. So it is one of the gifts from, I would say, my company is involved in the construction of this particular tunnel, but it is for everyone. So I would say all the best. What exactly is the name of this tunnel? This tunnel connects India Gate to Ring Road, and okay, it goes via Pragati Maidan. So people who are commuting from India Gate to Ring Road, like East Delhi, can very easily connect to this tunnel. It save around 10 to 15 minutes easily, because in the peak hours, this tunnel is very useful. Yeah, so even we noticed when I was coming down, हम दोनों जब अजय और मैं बीच में जा रहे थे, तो बहुत ही beautiful painted है अंदर से, you can see lot of sceneries around. हमने बहुत सारी फोटो भी क्लिक की हैं और वीडियोस भी बनाए, जो आपने देखा भी होगा व्लॉग में। तो अजय, इसका लेंथ कितना होगा, कितनी लंबी ये टनल है? I think 500 meter नहीं, it is around 1 kilometer. This tunnel is around 1 kilometer. Around 1 kilometer, हाँ? 1 kilometer length. ये उधर भी जाती है, इधर से राजपथ के लिए भी, राजघाट के लिए भी जा सकते हैं, और इधर से एक रोड हमारा सरायकाला की तरफ भी जाता है, तो दोनों तरफ से कनेक्ट करती है, और उधर से आने के टाइम में भी सिमिलर वे में दोनों तरफ से कनेक्ट करती है इंडिया गेट के लिए। तो जिसको भी इंडिया गेट जाना है या इंडिया गेट से आना है, उनके लिए बहुत यूजफुल है। और आज इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मॉर्निंग आवर्स में कोई ट्रैफिक नहीं होगा, इसलिए इस टनल को यूज़ करते हैं। और वैसे भी हम लोग काकू कचौड़ी वाले के पास जा रहे हैं, जो कि बहुत फेमस है, तो आज हम पूरा दिल्ली को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेसेस को, इंक्लूडिंग दिस टनल एंड काकू कचौड़ी वाला। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। यस, ठीक है, लेट्स गो। ओके, सो जस्ट नाउ वी हैव रीच्ड टू इंडिया गेट, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। अभी थोड़ा सा हमने फोटो वगैरह क्लिक किए हैं, वीडियो बनाए हैं जो आप व्लॉग में देखेंगे।
और काफ़ी टाइम से इंडिया गेट पे काम चल रहा है कुछ कुछ. आई थिंक ये लोग दैट प्रोजेक्ट कॉल्ड अजय सेंट्रल विस्टा. सेंट्रल विस्टा राइट. सो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. होपफुली एक दो साल में कंप्लीट हो जाएगा. देन विल गेट अपॉर्चुनिटी टू विजिट इंडिया गेट. अभी तो इंडिया गेट जाना अलाउ नहीं है, बंद है. ऑलवेज वी यू नो लव टू कम इंडिया गेट. इंडिया गेट इज आर्ट. इंडिया गेट जो है हमारा वो हॉट स्पॉट रहता है. हमेशा हमारा मन करता है इंडिया गेट आने का. हार्ट ऑफ दिल्ली. हाँ, हार्ट ऑफ दिल्ली. यस राइट. तो जस्ट होपिंग कि जल्दी से खुल जाए और हम लोग वहाँ पास में जाके फोटो खिंचवा पाए. और इतना फेमस क्यों है? ठीक है, फिर खा के बताते हैं. मैं हाफ लूंगा. अजय आप फुल ले रहे हो. फुल में दो आती है. इज माय फेवरेट. और हाफ में वन. और प्राइस आई सी हाफ इज 30 एंड फुल इज 60 राइट. वाओ अमेजिंग डिलीशियस. अभी तो खाया नहीं. बिना खाए लग रही है. सो वी जस्ट हैड फुल प्लेट एंड हाफ प्लेट. आई मस्ट से इट्स वेरी वेरी यम्मी. कैसी लगी दीपक? गुड, वेरी गुड. थोड़ा सा आई थिंक स्पाइसी है, आई वुड से राइट, बट गुड, वेरी गुड. कचौरी इज सपोज टू बी स्पाइसी. आलू सब्जी इज सो डिलीशियस. अरोमा ऑफ सब्जी इज अमेजिंग. इतना अच्छा कचौरी, मतलब क्रंची आई वुड से आलू की सब्जी के साथ में. दिस इज माई फेवरेट डिश एक्चुअली. मैंने बहुत इंजॉय किया. दो कचौरी मैंने खाई साथ में आलू की सब्जी के साथ में. आई फिनिश एवरीथिंग. थैंक यू सो मच काकू जी. आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ बहुत सारे मंकीज रहते हैं. तो खाने के टाइम में ध्यान से खाइए. हालांकि वो कचौरी पे नहीं अटैक करते हैं, आपके हाथ में कुछ रहेगा आइटम कुछ भी टेबल्स उस पर अटैक करते हैं. अभी हमने कचौड़ी खाई है. कचौड़ी खाने के बाद हमने सोचा कि हम चाय भी पीते हैं. सामने ही देखा हमने शत्रुघ्न जी बैठे हुए हैं और हमने उनसे बोला चाय के लिए. सो वी हैड इट और इट वाज वेरी वेरी यम्मी. आपको कितना टाइम हो गया सर? हमारे को 28-29 साल तो हो ही गया चाय पीते. आप यहीं बैठे हो? यहां पर लोग बैठे होंगे सर, ये बैठे नहीं हुए. 28-29 साल के और ये 24 आवर बैठते हैं. हमारा 24 घंटे 24 घंटे रात भी आप आएंगे तो आपको चाय मिल जाएगी. आप रेगुलर आते हैं? हां, वीकेंड में तो है. मैं द्वारका से आया हूँ. संडे ज़्यादातर रहता है. स्पेशली चाय पीने? चाय नहीं, राइडिंग का मूड होता है. द्वारका से निकलना है बाहर. शुरू से जितने भी साइकिल आते हैं ना तो अपने पास जरूर चाय. सारे शॉर्ट वर्ड्स हैं. शत्रुघ्न जी ने हमें बताया कि यहाँ आप 30 साल से हैं राइट. 30 साल से बैठे हुए हैं. 30 साल से चाय और यही इनका पॉइंट है. अगर आप लोग चाहें कभी इस तरफ आए तो यू कैन ट्राई इट. जस्ट अपोजिट टू काकू कचौड़ी एंड ऑल्सो हनुमान मंदिर. आफ्टर हैविंग कचौड़ी एंड चाय हमने सोचा कि हनुमान मंदिर भी चलते हैं. और वी थॉट ऑफ शूटिंग इनसाइड, लेकिन अंदर फोटो लेना या वीडियो बनाना अलाउ नहीं है. तो हमने एक छोटा सा बाहर से ही वीडियो बनाया है. इस मंदिर की भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है. आई थिंक दिस इज़ 400 और 500 ईयर ओल्ड टेम्पल एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट हनुमान जी टेम्पल इन
दिल्ली, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। आप कभी भी आएँ सीपी में तो ज़रूर एक बार अंदर जाएँ, दर्शन करें, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। वी रियली फाइंड इट वेरी नाइस।